हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं आप सब लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ वो अभी न्यूली लॉन्च है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अब समर्स में आपके पास होना ही चाहिए। और मैं बात कर रही हूँ सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन एक मस्ट हैव स्किन केयर है जो कि समर रूटीन में, समर इवेंचुअली आपको पूरे ही साल उसको यूज़ करना चाहिए। इवन अगर आप इंडोर्स भी रहते हो, आप बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हो, तो भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि वो आपको हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो बट समर्स में क्योंकि हमें ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए समर्स में तो सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो आज जिस सनस्क्रीन का मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ वो है पिलग्रिम की तरफ से इनकी दो न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन का, और इन दोनों का ही रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। दोनों ही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको इनका रिव्यू देने वाली हूँ और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो पहले मैं बात करूंगी ये पिलग्रिम की 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जेल की। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी क्वर्की सी इनकी पैकेजिंग बनाई है। आई रियली लव दी पैकेजिंग और काफ़ी हैंडी भी, आप इसको आराम से अपने कैरी बैग में भी कैरी कर सकते हो। तो इसके अंदर है SPF 50 PA++++ विद कोरियन वाइट लोटस और ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है UVA, UVB एंड ब्लू लाइट से। इसके अंदर आपको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि अच्छी क्वांटिटी है। और सबसे अच्छी बात इस सनस्क्रीन की ये है कि जब आप इसको अप्लाई करोगे ये बिल्कुल भी आपके फेस पे वाइट कास्ट नहीं देती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल सनस्क्रीन के साथ यही होती है कि वह आपको एक वाइट कास्ट देती है और या फिर उसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने काफ़ी सारी सनस्क्रीन यूज़ की है जो कि वाइट कास्ट नहीं देने का क्लेम करती है, लेकिन उसको ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। लेकिन ये वाली जो सनस्क्रीन है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पर लगाओगे बहुत जल्दी आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि ये एक लाइट एक्वा जेल है जो कि बहुत ईजिली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। और ये आपको डीपली हाइड्रेट भी करता है क्योंकि इसके अंदर है हैलुरोनिक एसिड और कोई भी वाइट कास्ट नहीं आते। मैं आपको इसकी पूरी एप्लीकेशन अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाली हूँ कि बिना किसी कट के, ताकि आप देख सको कि हाँ इसके बाद इसको ब्लेंड करना कितना ईजी है और कितने अच्छे से ये आपकी स्किन में बिल्कुल ब्लेंड होकर आपको बहुत अच्छे से एक ग्लो भी देती है, लेकिन आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। तो अगर आप एक ड्राई स्किन वाले इंसान हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई करना क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगी और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन तो दे ही रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सनस्क्रीन। सो अब मैं आपको इसकी सेकेंड सनस्क्रीन भी दिखा देती हूँ। सो जो सेकेंड सनस्क्रीन है पिलग्रिम की तरफ से वो है 2% नायासिनामाइड ग्लो सनस्क्रीन। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है इसकी। पैकेजिंग में मैं इनको कोई भी डिडक्शन नहीं करूँगी इनके मार्क्स में। पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हैंडी है और काफ़ी स्टर्डी पैकेजिंग है। ऐसे नहीं है कि अपने आप ये आपके बैग में खुल जाएगी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे। सो ये वाली जो सनस्क्रीन है इसके अंदर आपको 2% नायासिनामाइड मिलेगा जो कि आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो लेके आएगा। बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो आता है ये सनस्क्रीन लगाने के बाद। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो डे टू डे लाइफ में मेकअप या कुछ भी लगाना पसंद नहीं करता, तो आप ये सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद यू आर गुड टू गो आउट, आपके स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। इसके अंदर भी है SPF 50 PA++++ और इसके अंदर आपको मिलेगा स्पेनिश क्वालिन। ये भी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है UVA, UVB, ब्लू लाइट के साथ। इसके अंदर भी आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। यह आपके ग्लो को इन्हेंस करता है अगेन और ये आपकी टैनिंग को भी प्रिवेंट करता है। अगेन ये भी बहुत लाइट वेट सनस्क्रीन है, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपके फेस पे वाइट कास्ट नहीं आएगा। आप चाहे ये वाली सनस्क्रीन ट्राई करो या फिर आप चाहे ये वाली सनस्क्रीन ट्राई करो, आप दोनों में से कोई भी सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। दोनों में ही वाइट कास्ट नहीं है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है दोनों सनस्क्रीन और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है आपकी स्किन पे। मुझे तो ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अब इन्हीं सनस्क्रीन को प्रिफर कर रही हूँ लगाना और बहुत अच्छे से ये मेरी स्किन पे सूट भी कर रही है। मेरी स्किन टाइप है नॉर्मल और मुझे दोनों ही सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे से सूट किए। मैं दोनों को ट्राई करने के बाद ही आपको इनका रिव्यू दे रही हूँ। तो अगर इफ़ यू आर समवन जिसको थोड़ी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है अपने फेस पे, मैं सजेस्ट करूँगी आप ये हैलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर समवन नॉर्मल और टू ऑयली और सेंसिटिव स्किन, वैसे तो ये दोनों ही सनस्क्रीन सारे ही स्किन टाइप पे सूट कर जाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन है। अगर आप ऑयली स्किन भी हो ना तो भी आप इनको आराम से लगा सकते हो क्योंकि ये जेल बेस्ड फॉर्मूला में है।
सो और अगर आपको ग्लो चाहिए एक सनस्क्रीन से तो आप डेफिनेटली नायासिनामाइड वाली सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप भी एक अच्छी सनस्क्रीन जो कि लाइट वेट हो, वाइट कास्ट नहीं देती हो और बहुत अच्छे से आपके स्किन में ब्लेंड हो जाती हो, वो ढूंढ रहे थे, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इन दोनों सनस्क्रीन में से कोई भी सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। नीचे आपको दोनों ही सनस्क्रीन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो और ये आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। अगर आप वहां से लेना चाहो तो वहां से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनकी साइट से जाके लोगे तो आप ये कूपन कोड यूज करके इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। अगर आप इन दोनों सनस्क्रीन में कोई भी सनस्क्रीन ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन से सनस्क्रीन ट्राई करी और आपको वो कैसी लगी, आपके फेस पे कैसी काम की। और मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, बाय बाय।